हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस डिजिटल्स में। दोस्तों, आपको ये बात पता है या नहीं है तो ये हम ज़रूर बताना चाहेंगे कि FSSAI का जो रजिस्ट्रेशन होता था फूड लाइसेंस के लिए, उसके वेबसाइट बदल गया है, उसका नया वेबसाइट आ गया है। तो उस वेबसाइट पे एक चीज़ और ख़ास है आपके लिए कि पहले क्या होता था कि सर्टिफिकेट जनरेट होता था फूड लाइसेंस का, तो वो 2 या 3 पेज का होता था, लेकिन उसमें सारे सर्टिफिकेट होते थे, किस कैटेगरी में आप कर रहे हैं वो होता था, और साथ में रेटिंग होती थी आपका, जो जो आप कार्य कर रहे हैं उसकी रेटिंग होती थी। लेकिन अब क्या हो गया है, अब 4 पेज का आपका सर्टिफिकेट आने लगा है। और क्या है इस सर्टिफिकेट में खासियत, चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं हम, और किस तरह से आप इसे डाउनलोड करेंगे सर्टिफिकेट को। यदि आप गुम गया है आपका सर्टिफिकेट, तो आपको हम इसमें वीडियो में डाउनलोड करना भी बताएंगे। तो डाउनलोड करने का पूरा प्रोसेस रहेगा, कैसे आपको डाउनलोड करना है, इस वीडियो को देख के आप अपना गुम हुआ सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर पाएंगे। लेकिन यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हम आपसे ज़रूर गुजारिश करेंगे कि हमारे चैनल को आप फटाफट सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी ही जानकारियाँ मिलती रहें। साथ ही नीचे एक बेल आइकॉन का बटन दिखाई देगा आपको वीडियो के नीचे की तरफ में, सब्सक्राइब के बाजू में, तो उसे प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको हमारे जो भी नए वीडियो हम अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके, और आप इस तरह की जितनी भी जानकारियाँ हैं वो आपको तुरंत मिलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपका गुम हुआ कार्ड आप यदि डाउनलोड करना चाह रहे हैं, सर्टिफिकेट जो आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। इसमें देखिए, आपको कुछ नहीं करना है। आपने जो आपका लाइसेंस बनवाया होगा, आपने फूड लाइसेंस का जो सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया था ऑनलाइन, तो आपने एक ईमेल आईडी दिया होगा, साथ में अपना मोबाइल नंबर दिया होगा। तो बस आपको उसी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर के जरिए आप एक OTP के साथ अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाएंगे। इस वीडियो में हम आपको वो प्रोसेस बताने वाले हैं। आपको किसी भी प्रकार के पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपके पास पासवर्ड नहीं भी है तो भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। पहले की वेबसाइट में क्या था कि आपको डाउनलोड करने के लिए आईडी पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अभी जो नई वेबसाइट आई है इसमें आईडी पासवर्ड का कोई यूज़ ही नहीं है। सीधा डायरेक्ट आप अपना मेल आईडी और जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उससे लॉगिन कर सकते हैं, लॉगिन करके अपना सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं। तो चलिए पूरा प्रोसेस समझ लेते हैं, आइए शुरू करते हैं वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। साथ ही और भी लोगों तक पहुँचाइएगा, ताकि वो लोग भी अपने अपने सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकें। साथ ही यदि आप न्यू यूज़र हैं हमारे चैनल पर और आपने अभी तक फूड लाइसेंस सर्टिफिकेट नहीं बनाया है, तो इससे आप ऑनलाइन कैसे बनाएंगे, इसका पूरा तरीका हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाले हैं, जिसमें आपका फूड लाइसेंस को अप्लाई करना, साथ ही में आपका रेफरेंस नंबर के जरिए आप अपना सर्टिफिकेट में क्या प्रोसेस चल रही है वो देखना हम आपको बताएंगे। इसके बाद आपको आपका सर्टिफिकेट का स्टेटस देखने के साथ ही आप यदि उसे डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो कैसे डाउनलोड करेंगे, ये पूरा प्रोसेस हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। तो कुछ देर आप उसके लिए वेट कर लीजिए, कुछ घंटों का समय है जिसमें हम आपको वो वीडियो भी आपको दे देंगे। अभी हमने आपको सिर्फ डाउनलोड करने का तरीका बताया है, किस तरह से आपका वीडियो में आप देख सकते हैं कि आप एक आईडी कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। अभी क्या होता था, सिर्फ सर्टिफिकेट आता था, लेकिन इस बार अभी नई वेबसाइट में आपको एक FSSAI का जो आईडी कार्ड होता है वो आईडी कार्ड दिया जा रहा है, ताकि उसे आप कहीं भी दिखा सकें। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च करना होगा फॉसकॉस, FOSCOS। जैसे आप इसे सर्च करेंगे, ये देखिए सबसे पहली वेबसाइट आएगी आपके सामने, फॉसकॉस FSSAI। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए ऐसा आएगा FLRS2 फॉसकॉस। इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे, देखिए यदि आपके पास एप्लीकेशन नंबर है तो एप्लीकेशन नंबर डालकर आप यहां से कोड डालकर ये वाला और सर्च कर सकते हैं, कैप्चा कोड डालकर अपना एप्लीकेशन का स्टेटस। और नहीं है तो आप देखिए ये यहां पर आपको लॉगिन पर क्लिक करना है, बिजनेस लॉगिन, और यहां पर देखिए आप स्मॉल पेटी FBO साइन, ये देखिए ऊपर में यहाँ पर दिखा रहा है, ये राइट हैंड में ये यूज़र साइन इन दिया और यहाँ पर ये वाला। इस पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको नीचे अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डाल देना है, और नीचे कैप्चा कोड डालकर इस पर सबमिट कर देना है। चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। हम एक ईमेल आईडी डाल ले रहे हैं यहाँ पर, जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है जिससे हमने फूड लाइसेंस बनाया हुआ है, ये देखिए ये हमने यहाँ पे डाल दिया। अब ये जो कैप्चा कोड दिखा रहा है इसे हम यहाँ नीचे फिल कर देंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। ये देखिए ये हमने ईमेल आईडी भी डाल दिया, कैप्चा कोड भी डाल दिया, अब सबमिट क्लिक कर रहे हैं हम। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे, ये देखिए आपका जो मेल आईडी या मोबाइल नंबर आपने डाला है उस पर एक OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पर फिल करना है। फिल कर जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे यहाँ पर अपना OTP, आपका लॉगिन हो जाएगा आपका जो डैशबोर्ड है फॉसकॉस का, अपने जो फूड लाइसेंस के लिए जो आपने अप्लाई किया था वहाँ पर आप लॉगिन हो जाएंगे। तो चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। OTP आ गया है हमारे मोबाइल पर, थोड़ा लेट भी आता है कई बार OTP, तो आप जल्दी बिल्कुल ना करें, थोड़ी देर में आपको जाएगा। नीचे देखिए एक टाइमर चलता रहता है, इस टाइम के बीच में आपको OTP आ ही जाएगा, ये देखिए ये वाला, और इसके बाद आपको यहाँ प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। ये देखिए अब आपका थोड़ी देर सर्च करेगा ये, और ये डैशबोर्ड देखिए आप ओपन हो गया, फॉसकॉस पे आपका लॉगिन हो गया है।
अब यहाँ पे देखिए डैशबोर्ड में ये ब्लू, रेड और ग्रीन कलर से कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। इसमें सबसे पहले इनकम्प्लीट है, यहाँ पे देख ले इनकम्प्लीट एप्लीकेशन पर आपको यहाँ पे प्लस पर क्लिक करेंगे तो यदि आपका एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है तो यहाँ पर नीचे दिखाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप सबमिटेड एप्लीकेशन, तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर भी आपका कुछ होगा तो दिखाएगा आपको डिटेल्स। ये देखिए यहाँ भी नहीं दिखा रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर रिन्यूअल एप्लीकेशन पर देखेंगे, रिन्यूअल के लिए या रिवर्टेड कोई एप्लीकेशन है, रिन्यूअल सॉरी रिवर्टेड एप्लीकेशन पे भी देखेंगे हम जाके। यहाँ पे दोनों ऑप्शंस में देखिए ये भी ब्लैंक आ रहा है। यदि ये सारी चीज़ें आपकी ब्लैंक आ रही हैं इसका मतलब आपका सर्टिफिकेट इश्यू हो गया है। तो सर्टिफिकेट आप क्या करना है आपको, ये देखिए यहाँ कुछ नहीं, अब ये फोर्थ में देखिए इश्यूड लिखा आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ देखिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लिखा आ रहा है नीचे, इसमें प्लस पर हम नीचे क्लिक कर देंगे। ये देखिए जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ये देखिए पूरा खुल गया, इसका मतलब आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो गया है। यहाँ आपको देखिए ये रेफरेंस नंबर और सर्टिफिकेट नंबर दिखाएगा, ऐसा करके पूरा डिटेल्स है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, सारा दिया हुआ है आपने जो जो फिल किया, आपका एड्रेस, आपका रजिस्ट्रेशन कब हुआ है, सर्टिफिकेट आपने कब, आपका सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है, उसके बाद आपका कब तक के इशू, कब तक के लिए इशू है, लास्ट डेट दिखाएगी आपकी सर्टिफिकेट की, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन का यहाँ हिस्ट्री देख सकते हैं आप। इसके बाद ये देखिए रिन्यूअल डेट भी दिखाएगी आपको यहाँ पर। इसके बाद देखेंगे आप नीचे में व्यू हिस्ट्री और ये सारा चीज़ें देखने के बाद नीचे में देखिए सेंड मेल लिखा है, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पे यहाँ से तुरंत फॉरवर्ड हो जाएगा, तो यहाँ से आप अपने मेल आईडी पर भेज सकते हैं। दूसरा यदि आप डायरेक्ट डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो चलिए ये देखिए ये यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन और आपका जो सर्टिफिकेट का जो इश्यूड है ये उसका रेफरेंस नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे आप। जैसे क्लिक करेंगे ये देखिए इस तरह से आपका सर्टिफिकेट जो जनरेट है वो हो जाएगा ओपन पीडीएफ फाइल में, ये देख सकते हैं आप में यहाँ पर लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये पूरा डिटेल है यहाँ पर आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, इसके बाद फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। यहाँ पर चार पेज डले हुए हैं, चारों पेज में अलग अलग डिटेल्स है। फर्स्ट पेज में आपका रजिस्ट्रेशन का डिटेल है, दूसरे पेज में आपका क्या क्या आपने काम करना है उसका डिटेल है, थर्ड में आपका डिटेल एक्सपायरी डेट और उसका है कि आपका कब रिन्यू करवाना है, और लास्ट में आपका आईडी कार्ड है, ये देखिए रजिस्ट्रेशन आईडी कार्ड, ये अभी नया ऑप्शन आया है, पहले ये नहीं आता था। अभी फॉसकॉस में जो भी नई वेबसाइट आई है इसमें आप जो भी लाइसेंस बना रहे हैं फूड लाइसेंस, इसमें रजिस्ट्रेशन आईडी कार्ड भी प्रदान किया जा रहा था। इस तरह से आप अपना रजिस्ट्रेशन आईडी कार्ड प्रिंट कर सकते हैं, इसे आप छोटे से आईडी कार्ड में भी बना सकते हैं, जैसा हमने आपको बना के दिखाया थंबनेल में आप देख सकते हैं, इस तरह से आप अपना आईडी कार्ड बना सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। उम्मीद है आपको ये जानकारी जरूर पसंद आएगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, थैंक यू।